हेलो माय डियर उडू फैमिली, आज फिर से हम न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं अपने द्वारी घाट रेलवे स्टेशन का। और माफ़ी चाहते हैं कि भाई द्वारी घाट में ट्रेन आई हुई थी, हमको भी पता था कब आनी थी, और आने से पहले भी हमने आपको जो है कि अपडेट दे दिया था और बता भी दिया था कि इस टाइम में ट्रेन जो है कि द्वारी घाट जाएगी। उस टाइम जो है कि अपडेट हम इंदारा से आपको दे दिया था, और यहाँ तक जो है कि अपने द्वारी घाट तक जो कि ट्रेनें आकर माल भी गिराकर चली गई, दो तीन दिन हो गया। मगर हमारी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, हम बीमार थे हफ्तों दिनों से, इस वजह से जो कि हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे और ना ही आपको अपडेट दे पा रहे थे। तो भाई तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है कि हम अपडेट नहीं आपको दे पाए, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ हम आगे के साइड द्वारी घाट लास्ट स्टॉप के आगे के साइड तक पूरा हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और पूरी जानकारी आपको अच्छे तरीके से हम हूँ बहुत देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम चलकर बात कर लेते हैं जो नया यहाँ पर पैनल गिराया गया है, इसके बारे में आज हम बात कर लेंगे, और आगे भी चलकर जो कि पूरा अपडेट अच्छे तरीके से हम दिखाएँगे इस वीडियो में, और अच्छे तरीके से पूरी जानकारी भी आपको देंगे। तो ये देखिए, यहाँ से आगे के साइड तक पूरा जो है कि पॉइंट का भी काम किया गया है, तो वो भी हम चलकर अभी दिखाएंगे कितना उस पर काम हुआ है। तो पूरा काम अधूरा है, अभी देख पा रहे होंगे पूरा नहीं हुआ है, और ये लाइनें मुमकिन जो है कि अधूरी हैं, इसलिए जो है कि यहाँ पर यहीं तक जो है कि पैनल को गिराया गया है। ये देखिए जो हम दिखा पा रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट किया गया है पैनल गिराने का, और आगे के साइड तक कहाँ तक पैनल गिरा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं आगे चलकर द्वारी घाट का लास्ट स्टॉप और पॉइंट के बारे में हम बात कर लेंगे, और आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, क्योंकि वो स्टॉप लाइन जो है प्लेटफार्म की वो अभी पूरे अच्छे तरीके से फाइनल नहीं हो पाई हैं, तो उसके भी बारे में हम पूरा अच्छे तरीके से बात करेंगे। और ये जिस पर हम चल रहे हैं इस ट्रैक पर, वो आगे के साइड तक कहाँ तक फाइनल हुआ है, पॉइंट से आगे तक फाइनल हुआ है कि नहीं हुआ है, इस वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से दिखाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अगर अंत तक देखिएगा तो काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो बने रहिएगा वीडियो को लेकर शुरू से अंत तक। तो आइए चलते हैं आगे के साइड और पूरा आपको दिखाने की वीडियो में अच्छे तरीके से हम कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, सारी जो है कि पैनल यहाँ पर पुराने वाले पैनल सारे डले गए हैं, एक हिसाब से मान के चलिए जो बस से पैनल आए हुए थे वो सेम नए हैं, सॉरी वो नए पैनल हैं, इनको जो है कि यहाँ पर एक्सचेंज नहीं किया जाएगा। एक बार ये टाइट हो जाएगा तो ये हमेशा के लिए टाइट हो जाएगा, और हम आगे के साइड बढ़कर चलेंगे। जो आगे के साइड में पॉइंट बनाया गया है वहाँ तक चलकर पूरा अपडेट हम क्लियर इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से दिखाने वाले हैं। तो वीडियो अगर ज़रा सा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हम दिखाना चाह रहे हैं ये जिस तरह से जो है कि यहाँ पर देखिए सपोर्ट किस तरह से बांधा गया है, पूरा यहाँ पर पैनल का गेप है, तो यहाँ पर मुमकिन जो है कि वेल्डिंग किया जाएगा और इनको भरा जाएगा। तो आगे के साइड में चलते हैं थोड़ा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो पूरी हम जानकारी अपने द्वारी घाट स्टेशन की हम इस वीडियो में फाइनली अच्छे तरीके से हम देने वाले हैं। तो आइए चलकर बात करते हैं। ये देखिए, जो नए पैनल यहाँ पर डाले गए पहले से, जो हमने पहले भी बताया था वीडियो में दिखाया हुआ था, तो ये पैनल का फ़िलहाल अभी सेटिंग नहीं किया गया है, और त्यौहार की वजह से ये सारे जो वर्कर थे वो छोड़कर ये चले गए, और उसके बाद से जो है अब त्यौहार के कितने बाद आए हैं ये हमें नहीं जानकारी है। मगर यहाँ पर फ़िलहाल अगर देखें तो पूरा ये देखिए फास्ट वेल्डिंग से ये वेल्डिंग किया जाएगा। जो फास्ट वेल्डिंग मशीन है अपने इंदारा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, तो वो फास्ट वेल्डिंग मशीन यहाँ को भी आने वाली है। और एक बात बता दें कि इंदारा से कोपागंज के बीच में ये बड़े वाले गिट्टक बैलास्ट जो गिराए जाते हैं उनकी भी गाड़ियाँ जो है कि चल रही हैं इंदारा और कोपागंज के बीच में, और उसके बाद एक गाड़ियाँ और चल रही है स्लीपर पैकिंग करने वाली, जिसका अपडेट हमने
आपने इंदारा जंक्शन से आपको दिया था, तो वो भी गाड़ियाँ अभी आने को हैं। तो ये रेगुलर मामला चलता रहेगा और जब तक इंदारा और दोहरी घाट तक ये लाइनें पूरी फाइनल नहीं हो जाती हैं तब तक ट्रेन आने का सिलसिला जारी रहेगा। और अगर हमारी तबीयत अगर ठीक रही तो पूरा अपडेट हम अच्छे तरीके से आपको दिखाते रहते हैं और आगे भी दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से पॉइंट का काम स्टार्ट किया जाता है। ये देखिए, यहाँ से पॉइंट का काम स्टार्ट किया गया है। तो आगे के साइड में ये देखिए, यहाँ पे जितने सारे नट और बोल्ट थे, ये सारे जब इससे पहले हम आए थे तो यहाँ पर टाइट किया जा रहा था और इनको मुमकिन जो है कि टाइट भी कर दिया गया है। और आगे अभी ये पूरा पॉइंट का काम पूरा अधूरा पड़ा हुआ है, अभी अच्छे तरीके से ये पूरा नहीं हुआ है। और इस वीडियो में अगर पूरा एंड तक अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी जानकारियाँ आपको इस वीडियो से मिलने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो ये देखिए, ये जितने भी पॉइंट के यहाँ पर काम किए गए हैं, तो यहाँ पर फ़िलहाल देखिए ये सारे हुक जो भी लगा के पैनल को बांधे गए हैं, तो इन साइडों में अभी पूरा छोड़े गए हैं। देखिए फ़िलहाल अभी ये अच्छे तरीके से पूरा पॉइंट का काम क्लियर नहीं हो पाया है। और हमने बताया कि सारे वर्कर इनको छोड़कर जो कि भाग गए, गाड़ी भी बीच में आ गई थी इस वजह से। तो ये देखिए, अभी पॉइंट का यहाँ पर पैनल है, ये एक्सचेंजिंग करने वाला जो ट्रेन की पटरी को एक्सचेंज करेगा ये। और आगे के साइड में जो लास्ट स्टाफ है वहाँ तक फ़िलहाल हम चलेंगे और पूरी जानकारी फाइनली इस वीडियो में हम कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो ये जो भी पॉइंट का काम चल रहा है यहाँ पर, सारा कुछ काम अभी अधूरा है क्योंकि ट्रेन आ गई, इस वजह से सारे वर्कर वहाँ भी चले गए और सारी वर्कर होले के टाइम पर छुट्टी भी मनाने चले गए अपने घर को, इस वजह से ये काम सारा फाइनल नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर हम दिखा दें जो यहाँ पर स्लीपर पॉइंट के लिए डाले गए हैं, जो हम इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, तीन पर अभी काफ़ी सारा काम है, अगर इनको फाइनल करेंगे तो 2 से 4 दिन इनमें लग सकता है फाइनल करने के लिए। तो आइए हम चलकर बात करते हैं। और ये देखिए, यहाँ से ये सारा एक लाइन, ये फर्स्ट लाइन जो इंदारा से चलकर आ रही है, इस लाइन को यहाँ पर लाकर देखिए यहाँ पर एक्सचेंजिंग करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ से मुमकिन जो है कि तीन लाइनें एक्सचेंजिंग पॉइंट से लेकर जो है कि तीन लाइनें एक्सचेंजिंग बनेंगी। तो ये देखिए कैसे जा रही हैं, यहाँ पर तीन हो जा रही हैं, आगे पे जाके 2 हो जा रही हैं। तो इस तरह से जो है कि पूरा इन लाइनों पर जो कि काम किया जा रहा है। तो आइए हम आगे चलकर इस वीडियो में फाइनली अच्छे तरीके से सब कुछ हम दिखाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा और अपने दोहरी घाट स्टेशन पर अगर तीन लाइनों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर फ़िलहाल में एक साइडों में पूरा स्पेस है, यहाँ पर पैनल बिछाए जा सकते हैं तीन, मगर फ़िलहाल अभी देखो तभी तो 2 बिछाए जा रहे हैं। फ़िलहाल भविष्य में जब सहजनवा के लिए जब लाइनें जुड़ जाएंगी गोठा से, तो फ़िलहाल यहाँ पर भी 3 लाइनें जो है कि बिछ जाएंगी। तो ये देखिए अपडेट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। तो आइए चलते हैं। और ये सारी कंक्रीटें यहाँ पर डालकर छोड़ी गई हैं और लाइनें सारी जो है कि कंप्लीट नहीं हुई हैं, इस वजह से जो है यहाँ तक ट्रेनें नहीं आई हैं। वैसे भी यहाँ तक ट्रेन आने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि सारे पॉइंट की वजह से यहाँ पर ट्रेन आएगी तो वहाँ तक आएगी, जो नई ये पैनल बिछाए गए हैं आगे तक, तो यहाँ ज़रूरत नहीं थी पैनल गिराने की। तो आगे अगर साइड में पैनल गिराया जाएगा तो कोई नया पैनल रखा होगा उस साइडों में पॉइंटों का, तो वो सारे पैनल हमको लगता है कि इन पर लगा दिए जाएंगे। और वो देखिए पोल जो वहाँ पर लगा हुआ है, आगे के साइड में चलकर बात करते हैं और दिखाते हैं। और यहाँ पर पैनल देखिए रखे गए हैं, तो ये सारे स्लीपर के ऊपर पैनल अभी डाले जाएंगे। और फिलहाल देखिए इस साइड में भी पैनल अभी जो छूटा हुआ है, तो ये सारे पैनल इन पर लगकर डाले जाएंगे। और यहाँ से जस्ट अगर हम बात करेंगे लास्ट स्टाफ की, तो वो देखिए वहाँ तक इसका लास्ट स्टाफ है अपने दोहरी घाट रेलवे स्टेशन का। ये थोड़ा सा हम इस वीडियो में जूम करके आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये देखिए यहाँ तक लास्ट स्टाफ है और यहीं तक जो है कि सारे पैनल बिछे हुए हैं और इसके आगे कोई काम नहीं किए जाएंगे। तो आई होप कि सारी बातें आपको हमारी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी।
और समझ में नहीं आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसकी रिप्लाई हम आपको दे देंगे। तो आइए फिर मिलते हैं किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो के साथ में, तो उसका अपडेट हम आपको चलकर द्वारी घाट बिल्डिंग का देने वाले हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा।